नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट 2016 के पेपर में आए हुए ऑडिट के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है, तो उसमें ऑडिटिंग के आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में भी ऑडिटिंग का टॉपिक है, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में भी ऑडिट के। तो अब तक अपन 2011 के पेपर के ऑडिट के क्वेश्चन कर चुके हैं, 2011 के पेपर के अकाउंट के क्वेश्चन कर चुके हैं, 2016 के अकाउंट के पेपर के क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज अपन बात करेंगे 2016 के अकाउंटेंट के पेपर के ऑडिटिंग के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अंकेक्षण किसमें व्यवहार करता है। आपको बताना है कि अंकेक्षण वो किसमें व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 1 है निरीक्षण में, सत्यापन में, लेखों की जांच करने में, या ये फिर सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो अंकेक्षण होता है ऑडिटर, वो निरीक्षण भी करता है, उसका वेरिफिकेशन भी करता है आपको, और लेखों की क्या करता है, जाँच करता है। तो ये सभी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा सतत अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण। तो आपको बताना है कि वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। वैधानिक अंकेक्षण आपको पता है कानून निर्धारित करता है, कानूनी रूप से अंकेक्षण होता है। किसके द्वारा? सनदी लेखापाल, संस्थान का लेखाकार, लेखांकन को जानकर कोई भी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सनदी लेखापाल, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट CA द्वारा। यानी कि वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? CA के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संधि लेखापाल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र तय होता है। आपको बताना है अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र तय होता है। तो वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा, निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र होता है, अगर वैधानिक अंकेक्षण यानी कानून अंकेक्षण है तो कानून द्वारा होएगा, और निजी अंकेक्षण है तो नियोजक द्वारा क्या होएगा, उसका अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र क्या शो कर रहे हैं। आपको पता है अंकेक्षण को लास्ट में राय देनी होती है, जिसमें अपनी 2 प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मर्यादित और अमर्यादित रिपोर्ट। तो आपको बताना है कि अंकेक्षण है वो क्या राय देता है। तो सत्य एवं सही चित्रण, सत्य एवं उचित चित्रण, उचित एवं सही चित्रण, सत्य एवं सटीक चित्रण। तो आपको पता है ऑडिटर राय देता है ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य एवं उचित चित्रण। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके कहलाती है। यानी कि आपको एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य क्या होता है, जिसके द्वारा जो पुस्तकों में एंट्रीज हुई है कि वो वास्तव में सही हुई है, उसकी सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। किससे कर सकते हैं? एक रसीद, एक बीजक, एक प्रमाणक, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको अकाउंटेंसी के वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको लेखांकन प्रक्रिया बताई थी, तो मैंने बताया था आपके सबसे पहले स्रोत प्रलेख होते हैं, जिसमें रसीद होती है, बीजक होती है, कैश मेमो होते हैं, ये सब आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। उनके आधार मैंने बताया था प्रमाणक तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक प्रमाणक, यानी प्रमाणक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पुरुषों की सिद्धता साबित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक अंकेक्षण की सूक्ष्म परिभाषा कौन सी। आपको बताना है कि आंतरिक अंकेक्षण है, इसमें किसमें आंतरिक अंकेक्षण को सही रूप से परिभाषित कर रखा है। तो देखो, नंबर 1, किसी व्यावसायिक संक्रियाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन जो उस संस्था के आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ द्वारा आयोजित किया जाता है। किसी संस्था के वित्तीय विवरण पत्रों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण जो उस संस्था के आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ द्वारा आयोजित किया जाता है। किसी संस्था के वित्तीय विवरण पत्रों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण जो केवल बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। और किसी संस्था की व्यावसायिक संक्रियाओं का मूल्यांकन विश्लेषण जो बाहरी अंकेक्षण स्टाफ द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है आंतरिक अंकेक्षण की बात की जाती है तो बाहरी का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया, वैसे ये ऑप्शन भी खारिज हो गया, ऑप्शन बचते हैं 2। तो ये दोनों जो ऑप्शन है आपके, दोनों ही सही बता रहे हैं आंतरिक अंकेक्षण की,
तो आपका ये दोनों इसमें राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों इसमें क्या है राइट है। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, दोनों इसमें क्या है राइट है, ए और बी दोनों ही राइट है, दोनों ही आंतरिक क्वेश्चन को बात कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है वो क्या है ए सत्य है, यानी कि आपको तीन कथन यहाँ सही मिलेंगे और एक कथन असत्य मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय विवरण पत्रों की विशेषता के विषय में अंकित अपनी राय से स्वामी विश्वास दिलाते हैं। आपको पता है ऑडिटर राय देते हैं जिससे ऑनर्स को क्या होता है विश्वास होता है, यह बात तो एकदम सही है। अंकेक्षक वित्तीय विवरण पत्रों बैंक अधिक विश्वास करते हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको ऑडिट किए हुए हैं तो उन पर बैंक विश्वास करते हैं, वास्तव में विश्वास करते हैं, ये बात एकदम सही है। व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षक विश्वास नहीं करते, ये बात गलत है, विश्वास सारे विश्वास करते हैं ऑडिट किए हुए, तो आपका ऐसे तीकथन हो जाएगा सी। और चार नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया है, वित्तीय अंकेक्षक की आवश्यकता उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि कंपनी का नियंत्रण कंपनी प्रबंध के हाथों में निहित होता है, ये बात भी सही है। तो इसमें ए सत्य कौन सा कथन है, तीन नंबर ऑप्शन है वो आपका ए सत्य है। वैधानिक अगला क्वेश्चन, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों को विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा। देखो ये कह रहा है कि कानून द्वारा अंकेक्षण किया जाता है और इसके लिए आप क्या कर रहे हो आंतरिक अंकेक्षकों पर यानी इंटरनल ऑडिटर उन पर विश्वास कर रहे हो और रिपोर्ट में कोई अशुद्धि रह जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो सीधी सी बात है जिम्मेदार कौन होगा, वैधानिक अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक, अंशधारी, प्रबंध। तो सीधी सी बात है जब ऑडिट आपने किया है तो आपने उनको विश्वास किया लेकिन आपको विश्वास नहीं करना उनकी कोई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, वैधानिक अंकेक्षक ही इसका क्या होगा जिम्मेदार हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वैधानिक अंकेक्षक। आपको पहले भी पता है कि वैधानिक अंकेक्षक है उसका क्या होता है कार्य क्षेत्र है वो क्या होता है, उसके दायित्व में कोई कमी नहीं आती है, उसके कार्य के क्षेत्र में कमी हो सकती है यानी उसको काम कम करना पड़ेगा अब आंतरिक अंकेक्षक विश्वास कर रहा है लेकिन उसके दायित्व में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य निहित है, यानी आपको बताना है कंपनी अंकेक्षक की किस धारा में ऑडिटर के अधिकार और कर्तव्य दे रखे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था धारा 139 से 148 तक ऑडिटिंग संबंधी धाराएं कंपनी अधिनियम 2013 में, इसमें धारा 148 और लागत अंकेक्षण की है, धारा 139 में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, 138 कोई धारा ही नहीं है ऑडिटिंग में अभी, और 141 में अंकेक्षक की योग्यताएं अयोग्यताएं होती हैं। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी धारा 143 में अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य दे रखे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट धाराओं से, काफी क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक ऑडिटर की नियुक्ति और पूर्ण नियुक्ति केक द्वारा की जाएगी। आपको पता है मैंने बताया कि चाहे केक के द्वारा नियुक्ति हो चाहे संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति हो, नियुक्ति आपको पता है अंकेक्षक नियुक्ति धारा 139 के तहत की जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 139 के तहत नियुक्ति की जाती है, चाहे केक के द्वारा की जाए चाहे संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति की जाए। आपको पता है सरकारी कंपनियों में जो नियुक्ति होती है वो केक के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 139। बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रत्येक अंकेक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षण प्रमापों की पालना देखनी होती है, यानी आपको जो ऑडिटिंग के मानक हैं उनकी आपको क्या देखनी होती है पालना देखनी होती है किस धारा के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 143 और 143 में 143(9), तो 61 का राइट आपका हो जाएगा ए, यानी 143(9) के तहत अंकेक्षण प्रमापों की क्या देखना होती है आपको पालना देखनी होती है, यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं ऐसे जैसे 200 उनकी क्या आपको देखनी होती है पालना देखनी होती है धारा 143(9) के तहत आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है। आपको पता है कि ऑडिटर हैं ऑडिटिंग करने के बाद लास्ट में क्या देता है सबसे अंत में अंतिम उत्पाद क्या होता है रिपोर्ट देता है ऑडिटिंग की रिपोर्ट देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंकेक्षण प्रतिवेदन बी राइट हो जाएगा, और दो प्रकार की रिपोर्ट देता है मर्यादित और अमर्यादित रिपोर्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष है
यानी ऑडिट आपको बताना है कि ऑडिट प्रोग्राम का क्या दोष है। तो देखो अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष है तो कठोरता, नए क्षेत्र उपेक्षा, यंत्रबद्ध कार्य, तो ये सभी दोष है अंकेक्षण कार्यक्रम के, ऑडिटिंग प्रोग्राम के। कठोरता उसमें पाई जाती है, आपको पता है कि एक बार करने के बाद उसमें अचानक रूप से या प्रश्नों के कारण जल्दबाजी में चेंजिंग नहीं किया जा सकता, जैसा कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार करना पड़ता है। रूटीन कार्य होता है, यंत्रबद्ध कार्य होता है एक निश्चित क्रम से, तो ये सब क्या पाए जाते हैं, उसमें दोष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के सत्यापन में शामिल है, यानी आपको बताना है कि एसेट्स के वेरिफिकेशन में क्या शामिल है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखो नंबर एक अस्तित्व, स्वामित्व तथा स्वत्व अधिकार, मूल्यांकन तथा प्रभार, तो इसमें ये सभी राइट हो जाएंगे। संपत्ति का सत्यापन किया जाता है कि ये संपत्ति है वास्तव में अस्तित्व है या नहीं, पहले तो ये देखना होता है अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व तो है तो उसका जो स्वामित्व है वो आप जिसका उसी के नाम है या किसी अन्य का नाम है, ये देखना होता है। और उसके बाद जो पुस्तकों में उसका मूल्य दे रखा है वो मूल्य सही है या गलत है, उसका मूल्यांकन सही कर रखा है या नहीं कर रखा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस मूल्यांकन संपत्तियों का मूल्यांकन करना ऑडिटर का काम नहीं होता, ये ध्यान रखना। संपत्तियों का मूल्यांकन करना ऑडिटर का काम नहीं होता है, संपत्तियों का मूल्यांकन करना स्वामी का काम होता है। लेकिन यह अस्तित्व देखने के बाद ये जरूर किया जाता है कि जो मूल्यांकन है वो सही वैल्यू पर कर रखा है या गलत कर रखा है, ये जरूर देखना होता है। तो सारा इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि कोई अंकेक्षक धारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाया जाना आर्थिक दंड 1,00,000 रुपये से कम नहीं होता, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपको बताना है कि धारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर। तो देखो धारा 143(12) में पहली बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि धारा 143(12) में होता क्या है। तो दोस्तों जो धारा 143(12) है ये कहती है कि यदि किसी अंकेक्षक को ऐसा ऑडिटर को लगता है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों ने क्या किया है, कपटपूर्ण कार्य किया है, यानी कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्या किया, कपटपूर्ण कार्य किया है, सही तरीके से कार्य नहीं किया है, अगर इसका ऐसा पता लगता है ऑडिटर को तो उसे क्या है, इसकी जो रिपोर्ट है वो 60 दिन के भीतर भीतर क्या करनी पड़ती है, प्रस्तुत करनी पड़ती है किसको, या तो रजिस्ट्रार और कंपनी और केंद्र सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को 60 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है कि यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्या किया, कपटपूर्ण कार्य किया, ऐसा किसको ऑडिटर को लगता है। तो लेकिन यदि इसका पालन नहीं करता है, यानी पता लग गया फिर भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, तो उस पर जो दंड है वो कितना हो सकता है, तो आपको पता है कि वो कम से कम दंड है, आपको बताया 1,00,000 से कम नहीं होता, लेकिन अधिकतम इसे कहाँ तक बढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर बी, यानी 25,00,000 रुपये तक उसको क्या किया जा सकता है, ऑडिटर को दंडित किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3) जी के अंतर्गत एक अंकेक्षक अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है, आपको कह रहा है कि एक ऑडिटर है अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है, 10, 15 या फिर 20। तो आपको पता है कि धारा 141(3) है, इसके तहत एक ऑडिटर जो है वो 20 कंपनियों का अधिकतम क्या कर सकता है, अंकेक्षण कर सकता है, यानी 20 कंपनियों का वो अंकेक्षक हो सकता है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंकेक्षण की अवधि कितनी अवधि के लिए अंकेक्षण किया जाता है, तो सभी को पता है अंकेक्षण है सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने की उद्देश्य से हो अथवा नहीं, चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की एक स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने की उद्देश्य की गई है, आपको बताना है ये अंकेक्षण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा है आपको जो कि अंकेक्षण में आपको ये 3-4 परिभाषाएँ याद होनी चाहिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल की, एक स्पाइस एवं पेगलर की और एक JR बोटली बॉय की, बाकी लॉरेंस डिक्सी की परिभाषा को जरूरत नहीं, आपको इन तीनों की परिभाषाएं याद होनी चाहिए, पूछ ली जाती है जैसा इसमें पूछ लिया, तो ये आपकी परिभाषा दी गई है अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल की, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा,
आपको कह रहा है कि अधिकार नहीं होगा, बाकी तो अधिकार इसमें मतलब जो तीन ऑप्शन है वो तो अधिकार होंगे प्रमुख अंकेक्षक के, मेन ऑडिटर के, बाकी एक अधिकार नहीं होगा। तो देखो नंबर बात कर रहा है शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रों के निरीक्षण करने का, शाखाओं के निरीक्षण करने का, अंकेक्षण कार्य तो आवश्यक सूचना के पता लगाने का, अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को शामिल करने का। तो देखो जो ऑडिटर होता है प्रमुख उसको अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को शामिल करने का अधिकार होता है, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में शाखा की ऑडिट रिपोर्ट को शामिल कर सकता है। ये तो आपको पता हो, ये तो होता ही है, ऑडिट कार्य के लिए आवश्यक सूचना का पता लगाना उसका काम होता है, और शाखाओं के निरीक्षण का भी अधिकार होता है। लेकिन शाखा जो ब्रांच है किसी कंपनी की उसकी शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रों के निरीक्षण का अधिकार नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये अधिकार ऑडिटर को नहीं होता कि शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रों का क्या करे, निरीक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण से तात्पर्य क्या होता है, ऑडिटर से क्या तात्पर्य, लेखा पुस्तक तैयार करना ना, ये तो होता नहीं है, तलपट तैयार करना नहीं होता, लेखा पुस्तकों का समाजन करना नहीं, लेखा पुस्तकों की जांच करना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग किस भाषा के ऑडिटिंग शब्द से लिया गया है, आपको पता है ऑडिटिंग शब्द है जो कि लैटिन भाषा के ऑडिटिंग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है सुनना, क्या अर्थ होता है सुनना, यानी लैटिन भाषा के ऑडिटिंग शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुनना। न्यून अंकेक्षण का एक लाभ नहीं है, यानी आपको इसमें तीन लाभ मिलेंगे, एक दोष मिलेगा, आपको छाड़ना है अंकेक्षण का कौन सा लाभ नहीं है, तो ये स्वामी को संतुष्टि प्रदान करता है, एकदम सही बात, अंकेक्षण का ये तो लाभ होता है, ये ऋण लेने में सहायक होता है, ये भी सही है, ये लागत भार को न्यून करता है, ये गलत है, ये अंकेक्षण का लाभ थोड़ी लागत भार को न्यून करता है, अंकेक्षण से लागत भार कम थोड़ी होता है, अंकेक्षण से लागत भार क्या होते हैं ज़्यादा होती। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो अंकेक्षण है जो कि जैसे साझेदारी होगी या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, इनके तो अंकेक्षण करवाना क्या होता है विलासिता होता है, क्या होता है विलासिता होता है, यही और पढ़ा होगा। तो ये लागत भार को न्यून नहीं करता है, लागत भार तो ऑडिटिंग कराने से क्या होगी ज़्यादा होगी। तो अगला है ये अशुद्धियों कपटियों को खोज करता है, ये बात राइट है, तो इस कारण से कौन सा लाभ नहीं, ये लागत भार को न्यून करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, ये लागत भार को न्यून करता है, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 72 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट की, एक वैधानिक अंकेक्षकों को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है, कंपनी की लेखा पुस्तकों को, कंपनी की लेखा पुस्तकों प्रलेखों को, कंपनी की लेखा पुस्तकों प्रलेखों प्रमाणकों को, और कंपनी के नोटिस एवं प्रलेखों, यानी कि एक वैधानिक अंकेक्षक को क्या जांच पड़ताल का अधिकार होता है कंपनी की, तो कंपनी की वह लेखा पुस्तकें दे सकता है, सोर्स डॉक्यूमेंट दे सकता है, यानी कि आपके कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर देख सकता है, ट्रांसफर वाउचर हो गए, यानी आपके कैश वाउचर हो गए, नॉन कैश वाउचर कोई अपन ट्रांसफर वो देख सकते हैं, तो वाउचर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वो कंपनी लेखा पुस्तकें देख सकता है, प्रलेखों को देख सकता है, प्रमाणकों को देख सकता है, इनकी जांच पड़ताल का क्या होता है उसे ऑडिटर को क्या होता है अधिकार होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी परिस्थिति में वैधानिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता, ये मैंने अभी आपको बताया, तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि उसके आप कार्य क्षेत्र को किसी भी कीमत में क्या नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते। अगर लेकिन निजी अंकेक्षक होता तो आप उसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित कर सकते थे, लेकिन वैधानिक अंकेक्षण कार्य क्षेत्र को आप सीमित किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, चालू अंकेक्षण में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको बताना है कि चालू अंकेक्षण में कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है, यानी आपको तीन कथन सही मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत मिलेगा। आपको बताया जो चालू अंकेक्षण है वो उन कंपनियों में या जैसे बैंकिंग क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर क्या होती है चालू अंकेक्षण जरूरत होती है, जहाँ अधिक मात्रा में लेन देन होते हैं, जहाँ पर बाद में साल के अंत में अंकेक्षण करने पर टाइम अधिक लगता है और उनको तत्काल वितरणों की जाँच की जरूरत होती है, तो वहाँ पर किया जाता है चालू अंकेक्षण। तो आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये नियमित अंतराल से आयोजित किया जाता है, ये बात एकदम करेक्ट है, ये प्रतिदिन आधार पर कार्य, ये बात भी एकदम करेक्ट है, जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तब इसकी आवश्यकता होती है, ये बात गलत है, जब आपके संगठन अच्छी इंटरनल कंट्रोल है, आंतरिक नियंत्रण है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये आपका गलत है,
और नेक्स्ट ये बहुत खर्चीली होते हैं, सही बात है, रोजाना अंकेशन चलता रहेगा तो खर्चीली होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपके सी, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका तीन नंबर कथन है यानी सी कथन, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपके सारे सही हैं। तो दोस्तों ये थे आपके ऑडिटिंग के 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन ऑडिटिंग के, जो कि आपके 2016 के जूनियर अकाउंट के पेपर में आ रखे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जिनको अपन ने आसानी से कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और मिलते रहेंगे। जल्दी हम आपको जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी आपको क्लास मिलेगी, जैसे कि आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाया था, तो नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की आपको क्लास मिलेगी, उसके बाद कैपिटल बजटिंग यानी आपका फर्स्ट ग्रेड का पूरा कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तीनों पोर्शन आपको क्या करवाए जाएंगे, कंप्लीट करवाए जाएंगे, साथ साथ में जो जूनियर अकाउंटेंट का भी सिलेबस है वो भी चलता जाएगा, जो आपका कॉमन सिलेबस है। तो धन्यवाद दोस्तों।